के अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर आम्बेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं, कभी नहीं। हम खून बहा देंगे। एक गवार, ग्लेट और अछूत उन नियमों का भंग कर रहा है जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु, भगवत गीता और उपनिषदों ने तय किए थे। छुओ मत, हिंदू राज। छुओ मत, हिंदू राज। अंबेडकर, मुर्दाबाद। अंबेडकर, मुर्दाबाद। बाबा साहब, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता। मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। मैं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू, चलो डिक्टेशन लो। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा नहीं, मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था। लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया, तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है, उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है।